हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल केएमपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विनोद और आपके लिए आज लेकर के आए हुए चैप्टर फोर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो पिछले लास्ट लगभग छह से सात साल, लगभग 2011 से लेकर के और 18-19 तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन प्रैक्टिस सेटों से मैंने कुछ गैदर्ड किया है, कुछ एब्जॉर्व की है चीजें जो कि मुझे लगा है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और इन क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनसे बाहर चैप्टर में से कुछ नहीं जाने वाला है। और क्वेश्चन नंबर वन पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी चैप्टर 5 से लेकर के 15 तक की वीडियोस डालने वाली हैं, ताकि आप भी उन वीडियो को सबसे पहले देख सके। इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में इसके जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बढ़ते रहेंगे। चलो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वन है, इफ x इक्वल्स टू दैट मीन्स 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब x की जगह पे आप पहले यहां 2/3 रखिए और यहां 2/3 रखिए, वहां से एक ए बी में इक्वेशन बन जाएगी। आप फिर x की वैल्यू को -3 यहां पर और यहां पर पुट कीजिए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और आप जानते हैं चैप्टर थर्ड के अकॉर्डिंग आप इन दोनों इक्वेशनों को एज योर विश, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15 = 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k = 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वल रूट्स के लिए इसमें रिलेशन होता है d = 0 रख लेना है, तो वहां से तुम्हारा वैल्यूज इनकी निकल के आ जाएंगे। सॉल्व x = 2। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, एक की जगह दो दो क्वेश्चन भी ये मिल जाएंगे। एक सिमिलर क्वेश्चन एक ऐसा है, इनको सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर के बस सॉल्व करते रहना है, आगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बनने के बाद उसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक ही मोटर बोट का क्वेश्चन है, मोटर बोट का क्वेश्चन दोस्तों बहुत आ रहा है। ये भी मोटर बोट के क्वेश्चन में क्या है कि ए मोटर बोट हूज स्पीड इज 24 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। 24 किलोमीटर उसकी बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर के अंदर, और वो 1 आवर ज्यादा लेती है, कब, जब वो अपस्ट्रीम में जाती है 32 किलोमीटर कंपेयर देन डाउन स्ट्रीम की। तब डाउन स्ट्रीम के टाइम में से, सॉरी अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम के टाइम को घटा दीजिए, क्योंकि अपस्ट्रीम का टाइम ऑलवेज ज्यादा ही आता है, तो उसमें से माइनस करके इक्वल्स में 1 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ये वाला क्वेश्चन है, और अभी आगे इसमें और अभी 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं जो बहुत ही आ रहे हैं, एक इसके लिए भी एक्स की सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चनों में आप पहले डी निकाल लीजिए और फिर इसको जो फैक्टराइज का फॉर्मूला है कौन सा, -b + √v² - 4ac/2a, उससे कीजिएगा, उससे करोगे तो आप वहां से इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + 64 = 0 एंड x² - 8x + k = 0 बोथ विल हैव द रियल रूट। रियल रूट्स के लिए रिलेशन आपको पता है, उस रिलेशन को लगाइए, k की वैल्यू निकालिए। डाउट होता है कमेंट कीजिए, मुझे बताइए किस क्वेश्चन में कितने का डाउट आ रहा है आपको, मैं उसकी वीडियो फिर बना के आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 14x + 8 = 0 इज 6 times द अदर। मतलब इसका एक रूट दूसरे रूट का 6 times है, तो हमें वैल्यू बतानी है। आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दैट एंड द इक्वेशन दैट हैज द इक्वल रूट्स, 2 इसका रूट है, यहां से k की वैल्यू निकाले, यहां पुट कीजिए, फिर q की वैल्यू निकल जाएगी इक्वल रूट्स d का फॉर्मूला लगा करके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ना छोड़ें इस क्वेश्चन को। करने का तरीका क्या है, x को इधर लेकर के आए पहले 1/x को, फिर यहां से एलसीएम लें, ऊपर x कटेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं हैशटैग दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत आ रहा है। इसमें भी पहले आप d निकालिएगा b² - 4ac से, फिर इसमें फॉर्मूला लगाइए, वहां से आपको आंसर मिलेगा। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + 1 - 2k - 1x + x² = 0 हैज इक्वल रूट्स,
इक्वेशन क्वेश्चन ने बहुत चतुराई से इस इक्वेशन में क्या किया है कि इस एक्स स्क्वायर को भी यहां रखा हुआ है, आप इसको यहां पर लेकर के आएंगे और वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के इस इक्वेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही करेंगे, फिर इसके अंदर रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। क्वेश्चन ये भी बहुत आ रहा है, यहां से इसके जो हमारा फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है, न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से 3 लेस है, यहां से कंडीशंस बना करके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख देंगे, दूसरी कंडीशन अप्लाई करके इसको 29/20 के इक्वल रख देंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन एक ये रहा, उसी के जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन ये रहा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसके जैसा और इसके जैसा इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा एक ही फॉर्म में आएगा, तो ध्यान रखेंगे ऐसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अ ट्रेन एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस 63 एंड एवरेज स्पीड ऑफ, पहले वो अपनी एक एवरेज स्पीड से 54 किलोमीटर कवर करता है और उसके बाद 63 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन से कवर करता है, तो उसका जो टाइम है वो 3 आवर लगता है उसको टोटल कंप्लीट करने में जर्नी को, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसों का अलग अलग आप टाइम निकाल लीजिए, स्पीड को लेट करके आंसर आ जाएगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ S200। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आज अपनी क्लास में ही ये कराया है, सो प्लीज क्वेश्चन को इग्नोर ना करें ऐसे क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, अगर आ गए तो फंसा देंगे बिल्कुल, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान रखें, आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकते हैं दोबारा भी रिपीट, तो 5 मीटर लॉन्गर अगर हम उसके कर देते हैं और 2 रुपीज लेस कर देते हैं कॉस्ट में, तो उसकी कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आता, अनचेंज्ड रहती है वो। हाउ लॉन्ग इट इज द पीस ऑफ पीस एंड व्हाट इज ओरिजिनल रेट ऑफ द मीटर, ये बताने की उसमें लेंथ कितनी थी उस पीस की और उसकी उसका प्राइस कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट, ये 2 डिजिट के नंबर भी बहुत आते हैं, चैप्टर 3 में भी आते हैं और चैप्टर 4 से भी आते हैं, हमें पता कहां से चलता है कि चैप्टर 3 से है 4 से भी, होने के लिए तो दोनों क्वेश्चन ये चैप्टर 3 से भी लग जाते हैं और चैप्टर 4 से भी लग जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जहां पर आप प्रोडक्ट की बात समझेंगे ना तो थोड़ा सा ये क्लू होता है, उसके अंदर तो डिजिटों के सम के बारे में बात होती है चैप्टर 3 में, और चैप्टर 4 जहां क्वाड्रेटिक की बात होती है वहां प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात होगी, तो समझ जाना अगर प्रोडक्ट वर्ड है तो यहां पर डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें इसे सॉल्व करना है। डिजिट इज 16 व्हिच 54 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, फाइंड द नंबर, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट, इसके नेचर रूट्स बताना है, डी की वैल्यू निकालनी है, बस 3 कंडीशंस होती हैं आपको पता होगा। अ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूज द इंटरनेट सर्विसेज फॉर अ मंथली चार्ज ऑफ रुपीज 4800, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं 4800 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अगर उसमें 4 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो पर स्टूडेंट पर 200 रुपए कम पड़ता है उसको पे करने के लिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप ऑफ बिगिनिंग में कितने ग्रुप थे। क्वेश्चन ये इस तरीके का है कि अगर आप सपोज दैट कि कुछ स्टूडेंट मिलकर के एक इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं और उस इंटरनेट कनेक्शन का 4800 पे कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जितने भी स्टूडेंट हो गए 4800 अपॉन एक्स इतना पर हेड पर आ रहा होगा, और अगर आप बढ़ जाओगे तो डेफिनेटली फिर पर हेड पर वो जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वहां से उसका डिफरेंस 200 दे रखा, पहले यहां का पे निकालिए दूसरा वाला पे निकालिए दोनों का डिफरेंस 200 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा इजीली। किसी को फिर भी डाउट होता है तो प्लीज दोस्तों पूछ जरूर लेना, ऐसा ना हो कि आप इसको स्किप कर दें और फिर आप अपना नुकसान उठा लें, अगर मैंने मेहनत की है आपके लिए तो प्लीज उसका कुछ ना कुछ मुझे रेस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए एग्जाम में।
a motorboat whose speed is in still water is itni and take one or more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot find the speed of 18 km per hour uski speed hai 24 km wo upstream jata hai 24 km return hoga downstream starting ke spot par aa jata hai usko pehle se jaise wo upstream mein gaya hai fir downstream mein return hoke ke aaya hai to usko 1 hour zyada lagte hain jab wo upstream mein jata hai find the speed of stream dosto yahin par hi hamare ye questions ho jate hain khatam to main aapko ek baat batana chahunga ki dosto jinko bhi ye video pasand aayi ho to wo please like subscribe aur share zarur kare apne doston ke beech mein kyunki आपका भला सभी का भला और रिजल्ट सभी का अच्छा होने वाला है तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं वीडियो देखने के लिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मैं लास्ट बार फिर से बोल रहा हूं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी फिर आप नोटिफिकेशन से रह जाएं थैंक यू दोस्तों